ये हमारी नेगेटिव आ गई है, नेगेटिव ये फिर प्रिंट के लिए आएगा। ओके, ये देखो अंदर की तरफ क्या दिख रहा है सर इसमें। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो ये है कि मेरा जो एक सेकंड व्लॉग आया था उसके अंदर मैं आपको ओल्ड फोटोग्राफी, जयपुर में एक भाई साहब है जो ओल्ड फोटोग्राफी के लिए काफ़ी फेमस है, उनके पास 170-175 साल पुराना कैमरा है। तो आज के व्लॉग के अंदर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ओल्ड फोटोग्राफी के बारे में। अगर आप मेरा सेकंड व्लॉग देखना चाहते हैं तो उसका मैंने लिंक है इस आई बटन में दे दिया है, आप जाके देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है तो वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। अभी मैं जा रहा हूँ, पहले तो सबसे पहला जो आज का प्लान है ओल्ड फोटोग्राफी, वहाँ पे जाना है। पर उससे पहले एक शॉप है वहाँ पे, मेरे को 5-10 मिनट का काम है, तो पहले मैं वहाँ जाऊँगा। और वहाँ पे पूजा कह रही है कि उनको 10 मिनट लगेंगे, पर 10 मिनट कहाँ लगते हैं, बोलने के लिए होते हैं, लेडीज़ों को ज़्यादा ही टाइम लगता है उनका 10 मिनट। गाड़ी बंद हो गई थी तो 10 मिनट यानी कि इक्वल्स टू हाफ एन आवर, तो हाफ एन आवर तो यहाँ पे लग ही जाएगा। पर जो भी है, अब जो कह दिया है वो करना तो पड़ेगा ही। हो गया, बोल रहे कि ना 9 बजे तक रहूंगी। अच्छा ठीक है, तो अपन उससे पहले आ जाएंगे। आते टाइम मिलेंगे, चलो ठीक। ओके, ये हो चुकी है हमारी बाइक खराब। खराब हो गई बाइक, चली नहीं, अभी पापा ने पहले ही बोला था। भाई क्या मस्त ब्लॉग बन रहा है भाइयों, गाड़ी हो गई है खराब, पैदल घसीट के ले जा रहा हूँ गाड़ी को। ओ भाई चल गए, और चलो चलो चलो, फाइनली आज फोटोग्राफर वाले भैया यही हैं। हमारा आज का ब्लॉग फेल नहीं होगा, जरूर सक्सेसफुल होने वाला है, तो चलिए बात करते हैं उनसे। आपका नाम? त्रिकम चंद पहाड़ी। मिस्टर त्रिकम चंद पहाड़ी, सर बताइए सर इस कैमरे की जो आपने कैसे स्टार्ट किया ये? मैंने जो स्टार्ट किया था सर, वो भाऊजी को मैं जब टिफिन देने आया करता था दोपहर का। ओके, उस समय एक ये मुझे एक अलग ही चीज नजर आती थी देखने में कि क्या मेरी भी तस्वीर बन सकती है या मेरी भी फोटो बन सकती है। तो फिर उन्होंने बताया ये कैमरा है, ये अपने बाप दादाओं के टाइम से चलता आ रहा है। तो हमारी शॉप फोटोग्राफी की शॉप थी। ओके, तो बस वो एक देखने से कैप्चर देखने से भी मैंने सीखा। भाऊजी ने मना कर दिया था कि एक टाइम वो आएगा कि DSLR कैमरे आएंगे। अच्छा अच्छा, उन्होंने पहले ही इसकी स्थिति के बारे में बता दिया था कि ये बंद हो जाएगा और DSLR चालू हो जाएगा। पर सर यूनिक चीज़ों की वैल्यू हमेशा रहती है सर। हाँ खैर वो तो है ही। ये देखो अंदर की तरफ क्या दिख रहा है सर इसमें। ओके, ये देख सकते हैं आप सामने अपसाइड डाउन, अच्छा उल्टा है, इमेज उल्टी है। ओके, आप देख सकते हो कि अंदर की जो सामने जो भी सब्जेक्ट है वो दिख रहा है इसके अंदर। वाह क्या टेक्निक है सर, ये टेक्निक वही 175 ईयर ओल्ड पुरानी है। वही वही वही। ओके ओके, ये काफ़ी सारी पिक्चर्स भी आपके साथ, आपकी सेलिब्रिटीज़ के साथ में इसमें। फिल्म में भूल भुलैया, शुद्धेश रोमांस। ओके भैया की अक्षय के साथ भी फोटो है और शुद्धेश सर। ओके, जूही चावला के साथ भी पिक्चर है, काफ़ी सारे और काफ़ी सारी मैगजीन्स और दिया कुमारी सुभाष भाई। ओके, जयपुर प्रिंसेस दिया कुमारी के साथ, और लॉस एंजलिस टाइम में भी आपका आर्टिकल छपा है आपके बारे में। ओके, ये पिक्चर बन के आई है, वाह।
आज का हमारा वीडियो हो गया है पूरा, और सर ने हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी पुराने टेक्नोलॉजी के बारे में, पुराने फोटोग्राफी के बारे में। और इसी के साथ साथ सर एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी है। सर कोई मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए? मैसेज यही है जी कि आएँ और इस कैमरे को देखें और इसको लाइक करें और इस विरासत को समझें। जयपुर शहर जरूर देखने आए हैं लेकिन विरासत को समझें कि विरासत है ये भी, और मेरी नहीं हिंदुस्तान की जनता की विरासत है ये। मैं तो इसको सजो के रख रखा हूँ, आने वाली पीढ़ियाँ हैं, आप लोग आएँ और बताएं और पूछे कि किस तरीके से फोटोग्राफी होती है, मैं बिल्कुल सही है, सही है। लेकिन जनरेशन आज की क्या है कि सिर्फ घूमने और सेल्फ इंजॉय करने आती है, पुरानी विरासत को कोई महत्व नहीं देते हैं, सिर्फ देखते हैं और चले जाते हैं। सही है, तो उनकी सबसे बड़ी भूल है। सही है, सही है सर। तो जयपुर में जब भी आपका आना हो तो यहाँ पे जरूर आइए ओल्ड फोटोग्राफी पे, मिस्टर टीकम चंद पहाड़ी सर आपको मिलेंगे यहाँ पे और वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे ओल्ड फोटोग्राफी के बारे में। तो चलते हैं, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।